दो नंबरी काम करता, तो यही सब नतीजा होता, कितना बुरा चीज है। बल्कि हम तो पूरे तौर पर पूरे राज्य में, और हमने तो आपको बता दिया कि एक मीटिंग तो हमने कर ली और 16 तारीख को हमारी पूरी मीटिंग है, पूरे हर जिले से लेकर के सबका पूरे तौर पर उसकी हम समीक्षा करेंगे और सबको कह दिया है कि एक एक चीज को देख लीजिए और कहां पर ये सब इंसिडेंट हो रहा है। कई जगह पर तो रोज पकड़ाता है, लेकिन जहां पर नहीं पकड़ाता है तो मान लीजिए कि अगर कोई कहीं बाहर से आ रहा और अगर वो पकड़ाया 4 जिले के बाद, 2 जिले के बाद, 1 जिले, वहां क्यों नहीं पकड़ाया, कोई चीज आ रहा वहां क्यों नहीं देखा। तो हमने ये बात कह दिया है सब लोगों को, DGP को, चीफ सेक्रेटरी को, सब लोगों को ये बात कह दिया, संबंधित अधिकारियों को, कि इस पर एक एक चीज पर नजर रख लीजिए कि कौन नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, क्यों इस तरह से हो रहा। हालांकि प्रतिदिन अनेक जगहों पर लोग पकड़ा रहे हैं, लेकिन एक एक चीज को देखिए और देखने के बाद जो जरूरी कदम उठाइए, जो इसके लिए जिम्मेवार है, जिसको ससमय करना चाहिए था, अगर वो ससमय नहीं कर रहा है कार्रवाई, उस पर भी एक्शन लेना, ये सब चीज तो करना। और आप जानते हैं कि इतना काम किया जा रहा है और सब चीज के बावजूद इतना साल बीत गया है, तो अनेक लोग तो धंधा में रहता ही है और कुछ लोग तो गड़बड़ी करने वाले, हम तो बराबर कहते हैं रहते हैं, लेकिन जितनी तेजी से जो भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई तो हो ही, लेकिन इसके साथ साथ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हम लोगों ने शुरू में इतना अवेयरनेस लाया, लोग इसमें कितना सहमत रहे, आज भी सहमत है, कुछ लोग गड़बड़ी करने वाले लोग, सर्टेन लोग, तो ऐसी स्थिति में फिर से नए सिरे से और भी, मैंने दूसरी बात कि और ज़्यादा फिर अवेयरनेस के लिए हम लोग काम करेंगे, एक तो एक्शन के लिए जिनको जिम्मेवारी हो करें, और दूसरा फिर बड़े पैमाने पर हम लोग चलेंगे, 16 तारीख को सब कुछ तय करेंगे कि पूरा का पूरा फिर से एक बार चारों तरफ पर, और महिलाओं के कहने पर सब कुछ हुआ तो हर जगह लोग देखे, कहीं पर भी हम लोगों ने कमेटी वगैरह सब बना दिया, भाई कोई कंप्लेन क्यों नहीं कर रहा, या कंप्लेन कर रहा तो सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, हमने पिछली तो समीक्षा की थी, अब फिर तो करेंगे हम 16 तारीख, जितना समय लगेगा एक एक बात हमने बता दिया करेंगे, और इस पर जितना जो संभव है उचित कार्रवाई करने का वो जरूर करेंगे। और दूसरी बात है अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए भी बहुत जरूरी है ये करना, ये सबके हित में कर रहे हैं, और बार बार हम लोग बराबर कहते रहे कि साहब शराब पीना कितना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 16 में दुनिया भर का सर्वे करा के रिपोर्ट प्रकाशित किया 17 में, और उसके बाद भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है शराब कितनी बुरी चीज है, और हम लोगों ने यहाँ पर किया है, बापू की इच्छा थी और उसको लेकर के एक बार हुआ तो फिर हो गया, कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था, उसके बाद मान लीजिए कि बाद में फिर हट गया, तो फिर जो हम लोगों ने ये तय किया, देखिए सर्वसम्मति से हुआ। आजकल मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग तरह तरह का बयान देते हैं, अरे बयान खाली क्यों देते हैं, आप क्यों नहीं पकड़ते हैं, कहीं पर भी कुछ हो रहा है उसके बारे में जानकारी दीजिए, सब लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए। जिस समय ये पूरा का पूरा लागू हुआ, जरा बताइए एक एक लोग, अब बताइए पूरे असेंबली में, काउंसिल में किस तरह से एकजुट होकर के सब पार्टी के लोगों ने किया। अरे भाई अगर इसके बाद भी कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर नजर तो सबको रखना चाहिए ना, नजर तो सबको रखना चाहिए, देखना चाहिए, अगर आपको कहीं लगता है कि कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसकी सूचना दीजिए, और अगर सूचना मिलने के बाद भी उस पर एक्शन अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होगा। तो अखबार में लोग, कुछ लोग बयान दे देता है कि हमने लिख दिया है मुख्यमंत्री को, अरे क्या लिख दिया है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री क्या बनाए हुए था आपको, इतना सब कुछ के बाद भी कुछ नहीं ज्ञान की अगर प्राप्ति हुई तो ये अपनी ना समझ होनी चाहिए ना भाई, अरे इसमें सहयोग करना चाहिए, सब लोग एकजुट होकर के खड़ा होकर के अब संकल्प भी लिए थे तो भूलना नहीं चाहिए इस चीज को, और कभी नहीं भूलना चाहिए जो पावर में उस समय थे और जो पावर में नहीं थे, हमारी तो दोस्ती फिर हो गई और फिर हम लोग बाद में NDA हो गए, लेकिन बीच में भी जिस समय किया गया भाई, तो क्या आप जरा बताइए, तो जो लोग साथ थे उन लोगों को नहीं ध्यान रखना है क्या, और जो सरकार में नहीं थे उन सब लोगों ने पूरे तौर पर दोनों हाउस में सपोर्ट किया, सर्वसम्मति से एक चीज प्रस्ताव पारित हुआ है,
तो अब जो है हम लोग जो है साथ में वो तो पूरा मुस्तैदी से लगे हुए हैं, आज जो पहले थे वो काहे खाली स्टेटमेंट देने में लगे हैं भाई, सब लोगों को मिल करके ना करना चाहिए, ये कोई मेरा निजी चीज है कि ये सार्वजनिक चीज है, सबके हित की चीज है, कोई व्यक्तिगत चीज है, लेकिन हाँ आज हमारी जिम्मेवारी है तो हम लोग जरूर करेंगे और पूरे तौर पर कर रहे हैं, और अभियान तो हम आप लोगों को बता रहे हैं भाई, इसको तो चलाना होगा फिर हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे कि जहां कहीं भी किसी चीज के बारे में मालूम हो इसकी जानकारी के लिए बजाबता कमेटी बनी हुई है वहां तुरंत इन्फॉर्म करिए, और 16 तारीख को तो हम फिर, अभी तो ये फिर जो कोरोना का बात देश की, बात जिले की और बात शहर की, खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए, तो बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।